हे गाइस, आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ Vivo X90 और इसका आज हम फुल कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो Vivo की X सीरीज होती है ना, वो कैमरे में काफी धमाल मचाती है हर बार। इसके कैमरा में काफी ज्यादा बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। इसके रियर में आपको तीन कैमरा मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल प्रो पोर्ट्रेट कैमरा। इसके तीनों कैमरा में आपको सोनी के सेंसर देखने को मिलते हैं और उसी के साथ में आपको जाइस के लेंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे काफी वाली तगड़ी फोटो क्लिक कर सकते हो। और इसका पोर्ट्रेट कैमरा तो कमाल का है, चाहे नाइट हो या डे, काफी तगड़ी वाली फोटोज क्लिक कर देता है। X सीरीज नाइट कैमरा के लिए तो सुपर मानी जाती है, लेकिन इसके तो पोर्ट्रेट कैमरा में भी नाइट मोड मिलता है, जिसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे इफेक्ट मिलते हैं, सोनार, पलेनार, सीनी फ्लेयर, सिनेमेटिक और भी मजेदार इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, बैकग्राउंड से जो भी लाइट आ रही होती है उसको अलग अलग डिजाइन में बना देता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वीडियो हमने इसके नाइट सिनेमैटिक से शॉट किया, जहां पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बोके मोड, एजेस काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट करता है। नाइट कैमरा तो इसका लाजवाब है। इसके कैमरा में कौन कौन से मोड्स मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसमें मिलता है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें 2x जूमिंग करके फोटो भी क्लिक कर सकते हो। ये मोड क्या काम आता है, अगर कोई भी कुछ प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो वहां पर आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हो विदाउट लेगिंग के, यानी बिल्कुल क्लियर फोकसिंग के साथ में। जैसे कि अभी रायल इस बॉक्स को ऊपर की तरफ उछालेगा और मैं यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ 2x के अंदर, तो आप रियल मोमेंट के अंदर फोटो क्लिक कर पाओगे। गाइस, काफी अच्छी तरीके से शटर स्पीड भी काफी फास्ट तरीके से देखने को मिलती है और विदाउट एक सेकंड से भी कम समय के टाइम में यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर बॉक्स भी बिल्कुल क्लियर आया है और यहाँ पर आपको कोई भी ब्लर वगैरह या फिर कोई भी लेगिंग स्टेटस देखने को नहीं मिला। ऑलराइट दोस्तों, इसके पोर्ट्रेट कैमरे की बात करते हैं, जिसमें स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में काफी मजेदार इफेक्ट मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको जाइस के लेंस देखने को मिलते हैं। और रियली गाइस, इसके पोर्ट्रेट कैमरे में हर एक मोड से हमने फोटो क्लिक की, डिटेल में काफी मजा आ गया। और रियली गाइस, स्किन टोन और जो एजेस है बोके मोड का, उसको काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट तो करता है, लेकिन पोर्ट्रेट कैमरे में इतने सारे मोड्स मिलते हैं जहां पर आपको डिटेलिंग देख सकते हो, बैकग्राउंड में अलग अलग डिजाइन या फिर यहां पर आपको इफेक्ट वगैरह काफी मजेदार मिल जाते हैं। इसके कैमरा में आपको यहां पर वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाएगा, लेकिन एक मोड्स मिलता है जाइस, अगर इसको आप ऑन करते हो, जो कलर आप अपनी रियल आंखों से देख पा रहे हो नेचुरल कलर, वो ही आपको इस मोड ऑन करने के बाद में मिलते हैं। तो हमने एक फोटो नॉर्मल कैमरे और एक जाइस के कैमरा से क्लिक की, तो गाइज आप देख सकते हो डिटेल कितनी ज्यादा नेचुरल मिलती है जाइस के कैमरा में, और थोड़े से कलर बूस्ट मिलते हैं नॉर्मल कैमरा में, तो आपको नेचुरल फोटो क्लिक कर सकते हो जाइस मोड को ऑन करके। मैक्रो कैमरे में हमने फोटो क्लिक की, जहां पर डिटेल तो काफी भाई साहब लाजवाब देखने को मिली रियली में, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, तो मैक्रो कैमरा तो फोटोग्राफी करने के लिए काफी बेस्ट है। और इसके अंदर जूमिंग कैमरा की बात करूं तो नॉर्मल कैमरा फोटो के अंदर आप हाईएस्ट इसमें 20x तक जूम कर सकते हो। OIS मिल जाता है, जिसके वजह से आपको काफी डिटेल है जो कवर करने को देखने को मिल जाएगी। 20x पर एवरेज डिटेल कहूंगा, और इस मोबाइल में आप 4K 60fps में हाईएस्ट वीडियो शूट कर सकते हो। ये वाली वीडियो हम इसमें 4K 60fps में शूट कर रहे हैं, जहां पर कलर्स वगैरह सभी कुछ नेचुरली मिलते हैं और स्टैंडर्ड पर स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। वीडियो के अंदर इसमें मिलता है हॉरिजॉन्टल स्टेटस, जिसको ऑन करने के बाद में अगर मोबाइल को कुछ इस तरीके से शेक भी कर दो या फिर इसको मोबाइल को पूरा भी घुमा दो, तो आपको एक लेवल में वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे कि भाई आप रिजल्ट देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का है, मैंने यहाँ पर मोबाइल को पूरा घुमा दिया लेकिन फिर भी वीडियो एकदम स्टेबल मिलती है। इस मोबाइल में हमने अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन को ऑन करके फुल दौड़कर वीडियो शूट किया, जहां पर स्टेबिलिटी आप खुद देख सकते हो। तो इस मोबाइल में आपको OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी तो काफी मिल जाएगी, दौड़ते हुए वीडियो आराम से शूट कर सकते हो।
अब बात करते हैं वीडियो में बोके मोड, सिनेमैटिक मोड। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे, सिनेमैटिक वीडियो जहां पर आपको फिल्टर वगैरह भी मिल जाएंगे और नेचुरल बोके वीडियो भी मिलता है। तो इस मोबाइल में आप सिनेमैटिक वीडियो भी शूट कर पाओगे और नेचुरल बोके वीडियो भी शूट कर सकते हो। तो ये वाला मोड्स मुझे काफी अच्छा लगा और सिनेमैटिक वीडियो में आप स्टैंडर्ड पर स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हो। जैसे कि डिटेल देख सकते हो यहाँ पर, ये वीडियो हमने इस स्मार्टफोन के सिनेमैटिक वीडियो से शूट किया, जिसके अंदर बैकग्राउंड में एजेस वगैरह बोके मोड को अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर देता है और यहाँ पर हम शेक होते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। वही क्वालिटी तो मुझे काफी अच्छी लगी इसके सिनेमैटिक मोड्स की। और ये वीडियो हम अब इसके बोके मोड से शूट कर रहे हैं नेचुरली बोके मोड में, जिसमें भी आप देख सकते हो एजेस वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं बोके मोड के। इस मोबाइल में आपको टेलीप्रोमोटर लेंस भी मिल जाएगा। जैसे सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रेमिंग लाइन, लेवल, स्टेबिलाईजेशन और मूवी मोड, HDR, मोशन एंड वाटर मोड, टेलीप्रोमोटर लेंस मिलता है। इसमें क्या होता है कि गाइज, अगर आप फ्रंट या रियर कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हो और यहाँ पर आपको वॉइस ऐड करनी है, अगर आप वीडियोग्राफी बनाते हो यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो इसके अंदर आप यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस करके फिर कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जो मुझे वीडियो में बोलना है। जैसे कि एग्जाम्पल, हेलो दोस्तों क्या हाल। तो गाइज सिंपली आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके स्क्रिप्ट लिख देनी है। उसके बाद में जब भी आप वीडियो शूट करोगे, चाहे फ्रंट और या रियर कैमरा, तो यहाँ पर आप पढ़ते हुए आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपकी वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये वाली वीडियो हम इसके वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहे हैं, जहाँ पर आप 1x तक जूम भी कर सकते हो और ऐसे कि यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर भी डिटेलिंग है जो काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। तो वाइड एंगल कैमरे में स्टेबिलिटी भी सही मिल जाती है। अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। वीडियो के बाद में इसमें प्रो मोड मिलता है, जिसमें जाइस भी मिल जाएगा, यानी नेचुरल फोटो क्लिक कर सकते हो इसके अंदर भी। और मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट की HD में फोटो और लॉन्ग एक्सपोजर, जाइस लैंडस्केप आर्किटेक्चर, पैनोरामा मोड, टाइम लैप्स, एस्ट्रो डुअल एक्सपोजर, 50 मेगापिक्सल कैमरा, स्लो मोशन, सुपर मून और AR स्टिकर लाइव फोटो, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। और मोर के अंदर डुअल व्यू वीडियो मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे में एक साथ में वीडियो शूट कर सकते हो। मजेदार बात तो यह है, दोनों के अंदर आपको स्टेबिलिटी काफी सही मिलती है, फ्रेम रेट्स वगैरह, पिक्सल्स काफी अच्छे क्वालिटी में मिल जाएंगे इसके अंदर भी। 50 मेगापिक्सल के कैमरे से हमने फोटो क्लिक की, जो काफी फास्ट क्लिक भी हो चुकी है। और इसको हमने जूम करके देखा, जहां पर पिक्सल्स डिटेल्स काफी तगड़ी देखने को मिलती है। रियली गाइज, इस स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर पिक्सल्स वगैरह तो काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर जूमिंग करते जा रहे हैं और डिटेल काफी तगड़ी मिलती है। फाइनली अब बारी आ जाती है सेल्फी कैमरे की। इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें भी जाइस के लेंस लगे हुए देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरे में बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे पोर्ट्रेट कैमरा में, जो रियर कैमरा में मिलते हैं जाइस वाले सभी के सभी। और जैसे कि प्लेनार, सोनार, इन फ्रंट कैमरा में भी आप तगड़ी वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर आपको स्टाइल के अंदर मिलेंगे ये वाले इफेक्ट। और मैं बात करता हूँ वीडियोग्राफी की, तो इस मोबाइल के अंदर आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता। 4K का मिलता तो और भी मजेदार होता, लेकिन 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। रियली गाइज, सेल्फी कैमरा तो और भी कमाल का है, जिसमें सिनेमैटिक फोटोग्राफी, बायोटार, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें कमाल की फोटो क्लिक कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर सेल्फी कैमरे में भी। तो रियली गाइज, इसका कैमरा तो काफी लाजवाब है। इसको आप नो डाउट खरीद सकते हो अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए। और गेमिंग स्मार्टफोन में भी है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी तगड़ा मिल जाता है, जिसका एंटीट्यूड स्कोर 12 लाख+ कर जाता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। बाय बाय।